थर्ड वुमेन जो आपके लाइफ में है बबीता जी, उनका एंट्री कैसे हुआ और अभी क्या स्टेटस है? या आई हैड अ कपल ऑफ बैड ब्रेकअप्स इन लाइफ एंड आई फेल इन लव विद टू मुस्लिम वुमेन, तो ऐसा चला, बट देन मैंने डिसाइड किया अब नहीं करनी है यार, अब शादी नहीं करनी है। कई लोग ने किया होगा यहाँ, अब नहीं करेंगे शादी अब तो। बट देन मेरा फ्रेंड अनुराग सिन्हा, उसके ऑफिस में आई मेट अ गर्ल, सो शिवानी, एंड तो ये पहली लड़की थी जिसने ये नहीं बोला कि रात को 1 बजे क्यों काम करते रहते हो, सो जाइए, थोड़ा थोड़ा आराम करिए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, हिज नेम इज अनुराग, तो वो पुणे में हैं और मेरे बहुत ब्रेकअप हुए हैं, हम सबके होते हैं, तो अगर हो रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। और उन ब्रेकअप के बाद देवदास बन रहे हो तो भी इट्स ओके, और कबीर सिंह बन रहे हो तो भी इट्स ओके। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बिलीव इज कि दिस टू शैल पास, एंड ब्रेकअप्स आर रियली हार्ड ब्रेकिंग लाइक एनीथिंग, है ना। कुछ लोग रोने लग गए साइड में, हाय दर्द मेरा। तो या आई हैड अ कपल ऑफ बैड ब्रेकअप्स इन लाइफ एंड आई फेल इन लव विथ टू मुस्लिम वुमेन वन आफ्टर अनदर। तो कहते हैं कि इंसान एक बार गड्ढा देख के सीख जाता है, तो आई वॉज लाइक फिर से ट्राई करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द थिंग वॉज कि हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, आई कैन से इट हियर, एंड इट हैपेंड, इट हैपेंड फ्रॉम द गर्ल साइड, नॉट फ्रॉम मी, आई वॉज रेडी। सो देन आई वॉज लाइक कि मेरे को अब लाइफ में ये सब नहीं करना है और अब इसमें नहीं पढ़ना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट टू गर्ल्स आई मेट वर नॉट एक्चुअली माई लव। रीज़न मैं बताऊँ, रीज़न ये था, कई बार ना हम लोग प्यार करवाते हैं खुद को कि यही है चलेगा, जिससे एक तो लड़कों का जिससे बात हो गई उसी से प्यार है, मैटर ही खत्म, ज़्यादा चॉइस तो होता नहीं है, है ना। हाँ, मेरा दोस्त है तुषार सर का, उससे पूछो कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, बोलता लड़की। उससे कैसी गर्लफ्रेंड, कहता लड़की हो जाए। सो तो अपन भी वैसे ही बच्चे थे, तो जो भी बात कर लिया, जो भी थोड़ा प्यार से अलग को आलू बोल दिया, उसी में खुश हो गए और प्यार हो गया। तो ऐसा चला, बट देन मैंने डिसाइड किया अब नहीं करनी है यार, अब शादी नहीं करनी है। कई लोग ने किया होगा यहाँ, अब नहीं करेंगे शादी, अब संगल रहेगा, अब सिंगल रहेगा, और सारे प्यार करने वालों गाली देंगे, मार देंगे उनको। सो ऐसा हो गया था। बट देन मेरा फ्रेंड अनुराग सिन्हा, उसके ऑफिस में आई मेट अ गर्ल, सो शिवानी, एंड फिर उनसे बात हुई, फिर वो मेरे को आइडियाज़ देना स्टार्ट किए, एंड द डे वी मेट फर्स्ट टाइम, उसी दिन फिर शाम का उनका फ़ोन आ गया हम लोग के पास, एंड शी वॉज नॉट दैट नोन की हु एम आई, नॉट मतलब थोड़ा वो आईटी सेक्टर से, तो उन लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता, दो भाव भी नहीं देते इतना, है ना। जब लोग फोटो खिंचवाते तब उनको लगता है ना, तो ऐसे लोग के सामने हम लोग 4-5 अक्षर लेके जाते हैं, फोटो खिंचवा जाते हैं, देखा। सो शी वॉज नॉट दैट नोन। तो फिर उस रात ही उन्होंने फिर फ्रेंड से लेके मेरे को कॉल किया, फिर बोला तुम अलक पांडे हो, हमने कहा हाँ, अरे मैंने अभी देखा तो यूट्यूब चैनल, हमने कहा हाँ दैट इज़ ट्रू। फिर उसी दिन हम लोग की बात होनी स्टार्ट हुई, और उसी रात पे फिर मैं उस टाइम पे एक टी शर्ट डिज़ाइन करा था, मैंने उनसे आइडिया मांगा यार टी शर्ट बना रहा हूँ मैं, बिजी हूँ अपने काम में, या तो फ़ोन रख दो। तो उसने बोला नहीं नहीं कि टी शर्ट दिखाओ। तो ये पहली लड़की थी जिसने ये नहीं बोला कि रात को 1 बजे क्यों काम करते रहते हो, सो जाइए, थोड़ा थोड़ा आराम करिए, इतना काम कौन करता है, खाना खा लीजिए। उसने बोला क्या बना रहे हो दिखाओ, तो हमने फोटो खींच के उसको दिखाया, इवन वी शेयर्ड स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयर किया और फिर उसको दिखाया, तो उसने मेरे को वही पे आइडिया देना स्टार्ट किया यार इसमें तुमने, मैंने लिखा था तेरा भी कटेगा फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, तो आगे लिखा था तेरा भी कटेगा पीछे फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। तो उसने बोला तेरा में ना तुम 1-3 लिख दो, थोड़ा सा ये यूनिक लगेगा टी आर की जगह। मैंने कहा मिल गया प्यार मुझे जीवन का, मेरी थॉट चेंज, मैंने कहा क्या क्रिएटिव बन दी यार, ये थॉट दे रही है पहली कॉल में और डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एंड देन शी स्टार्टेड गिविंग मी सजेशन, सो आई गॉट अ PW टीम मेंबर विदाउट सैलरी। सो मैंने कहा कि शादी कर लेते हैं, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट। तो फर्स्ट 6 डेज में हम लोग को लग गया था कि हाँ ये चलने वाला है, ये होने वाला है, एंड देन वी टॉक टू पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स वर ओके, क्योंकि हम दोनों पंडित थे और कोई बात नहीं थी। लव मैरिज इंडिया में पॉसिबल है, बस सेम कास्ट में और सेम रीजन में, डिफरेंट गोत्र में, देख लो किसी को प्रॉब्लम थोड़ी होती है ना। सो बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस, है ना। हाँ गोत्र भी अलग होना चाहिए, वो भाई बहन तो हाँ, उनके पापा का था कि लड़का पंडित होना चाहिए, हमारे एरिया का होना चाहिए, और हर पेरेंट्स का होता है जॉब होनी चाहिए, तो बस, तो फिर हो गया, बात बन गई।
तो ठीक ठाक ऐसा हुआ, सर को भी नहीं पता था एक्चुअली। एक्चुअली मैंने एंगेजमेंट बहुत छुप के कर ली थी, किसी को नहीं पता था, बहुत छुपी चोरी। फिर उसके वीडियोस बाहर आ गए एंड वी वर एट द स्टूडियो, सो MR सर ने एक फोटो दिखाई मेरे को और उसमें मैं था और शिवानी थी। कैसे रही देख कुछ फोटो घूम रही है, तो और भी टीचर्स लोग थे, तो सबने बोला नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, किसी ने मॉर्फ करके, हमने हाँ मॉर्फ है मॉर्फ है। और उस टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे कि पकड़े गए फाइनली पकड़े गए। तो फिर उसके बाद से 3-4 दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया।